सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ व्हाट्सएप, दिल्ली हाई कोर्ट में 3 महीने पुरानी गाइडलाइंस को चैलेंज किया, कहा यह निजता के अधिकार का हनन है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कंपनी का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बताया कि मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए यह व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जिससे एंड टू एंड एनक्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बचेगा। प्रवक्ता के मुताबिक हम लगातार सिविल सोसाइटी और दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ उन पहलुओं पर विरोध करते आए हैं जिससे यूजर की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इस बीच हम मामले का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे। फेसबुक ने कहा सरकार से बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक का जवाब आया। कंपनी ने कहा कि वह आईटी के नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। आईटी नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है। कंपनी इस बात पर ध्यान रखेगी कि लोग आज़ादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकें। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद किसी ने गाइडलाइन लागू नहीं की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। डेडलाइन 25 मई को ख़त्म हो गई। व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नहीं बताया कि गाइडलाइंस को लागू किया गया है या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है। सोशल मीडिया के लिए सरकार की गाइडलाइंस। सभी सोशल मीडिया भारत में अपने 3 अधिकारियों, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस अफसर नियुक्त करे। ये भारत में ही रहते हों, इनके कॉन्टेक्ट नंबर ऐप और वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं। ये प्लेटफॉर्म ये भी बताएं कि शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था क्या है। अधिकारी शिकायत करने पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दें और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताएं कि उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए ऐसा सिस्टम बनाए जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान करें। इसके अलावा इन पर ऐसी इंफॉर्मेशन की भी पहचान करें जिसे पहले प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो। प्लेटफॉर्म पर एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करें, इसमें महीने में आई शिकायतों और उन पर लिए गए एक्शन की जानकारी हो। जो लिंक और कंटेंट हटाया गया हो उसकी जानकारी दी गई हो। अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उसे पहले इस कंटेंट को बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी। इसका कारण भी बताना होगा। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाएगा। इन विवादों को निपटाने के लिए ग्रेवांस ऑफिसर लगातार नज़र रखें।